ओहो, वो लिपस्टिक वाली औरत कहाँ गई? मैंने यहीं पर देखी थी। ओ, ये चुपी बैठी है। मैंने इसको ग्रेनेड थ्रो कर दिया, एस्केप कर गई। ओ, यहाँ पर है। मैं इसको छोड़ूंगा नहीं आज, यहाँ पर। और ये मुझे किल मिल चुकी है। अरे सर, मुझसे दूर मत भागो, मैं सिर्फ एक बुलेट मारूंगा आपको, सिर्फ एक शॉट दूंगा, ज्यादा नहीं, डरो मत मुझसे। और ये देखो कहाँ दर्द हुआ। इधर मेरी बात सुनो, बिल्कुल शांति से एक जगह खड़े हो जाओ, बिल्कुल हिलो मत, वरना वो लोग आके हमें किल कर देंगे। हिलो मत। ओ, ये लोग चैट तो कर रहे हैं, मुझे ढूंढो, लेकिन ये हैं कहाँ पर समझ ही नहीं आ रहा है। और ये बैठा हुआ है, इसको एक स्नाइपर बजाता हूँ। यहाँ पर मैं उतनी देर से ढूंढ रहा हूँ, मिल नहीं रहा है। अब बहुत हो गया, ये बॉर्डर में छुपे बैठे हैं, मैं समझ चुका हूँ, इनको बॉर्डर से ही ढूंढते हैं। ये बैठा हुआ है, देखो एक शॉट के हैं नहीं, और फाइंड करके कह रहे हैं सब लोग। एंड ये दूसरा मैंग भी यहीं पर बैठा हुआ है। हेलो मीरा नेशियंस, कुछ दिन से चैनल पर वीडियोस नहीं आ रही थी, मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था, मेरी स्टडीज़ तो थी, लेकिन साथ ही साथ एक बहुत ही कमाल का, बहुत ही एपिक, मैंने DA2 इवेंट संडे एंड मंडे यानी दो दिन के लिए अपने डिस्कॉर्ड सर्वर पर ऑर्गेनाइज करा था। अब वेल फ्रेंड्स, DA2 इवेंट एक कॉन्सेप्चुअल गेम प्ले था जो कि मैंने अपने टीम के साथ, यानी कि जो मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर पर लोग थे उनके साथ प्ले करा था। अब अगर मैं रूल्स की बात करूँ तो जो हमारी लॉबी पर लेयर्स हैं वो 2 इक्वल टीम्स में डिवाइड हो जाएंगे। हमारे मैच की ड्यूरेशन 10 मिनट्स की होगी और पहली टीम जो कि अटैकर टीम होगी वो सिर्फ अटैक करेगी और डिफेंस टीम होगी वो सिर्फ डिफेंस करेगी। मींस डिफेंस टीम को अटैक्स यानी गन्स यूज़ करने की परमिशन नहीं है। अब आप कहोगे कि अगर गन्स यूज़ करने की परमिशन नहीं है तो फिर जीतेंगे कैसे, इसमें मज़ा क्या आएगा? अगर हमारा टाइम पीरियड 10 मिनट्स का है तो एग्जैक्टली जैसे ही 5 मिनट्स ओवर होते हैं शुरुआत के, उसी वक्त जो डिफेंस टीम है वो अटैक करना शुरू कर देगी एंड जो अटैक टीम है वो डिफेंस करना शुरू कर देगी। दैट मींस इट विल बी अ फेयर चांस टू शो देयर पोटेंशियल टू विन द मैच। एंड ऐसा करते करते अंत में जिसके पास सबसे ज्यादा किल्स होंगी वो टीम होगी विनर। ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब मैं इस गेम प्ले को रिकॉर्ड कर रहा था यानी संडे और मंडे को, तो मैं लिटरली हंस रहा था इसको खेलते वक्त, मुझे इतनी ज़्यादा मज़ा आ रहा था। मैंने आज से पहले ऐसा कॉन्सेप्चुअल गेम प्ले कभी नहीं खेला था एंड मैं इसे लिटरली काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय कर रहा था। और जब हम लोग खेलते वक्त इसमें ट्रैप्स और स्ट्रैटेजीज को प्लान करते हैं तो उसमें एक अलग ही मज़ा आता है। एंड फ्रेंड्स, मैंने इस इवेंट को अलग अलग मैप्स में ट्राई करा है जो कि लिटरली काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंड मैप्स हैं जिनको बहुत ही कम लोग खेलना पसंद करते हैं। एंड उन अबेंडेंड मैप्स में भी हम लोगों ने इतना ज्यादा फन करा है कि अब आप आगे आने वाली वीडियो में ही देख लोगे। तो चलो अब शुरू करते हैं DA2 इवेंट। अब टीम हो चुकी है डिवाइड और इंटरेस्टिंग बात यह है कि हम लोग डिफेंस कर रहे हैं, दैट मींस हमें मिल्खा सिंह बनना पड़ेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप लोग बहुत ही जल्द जान जाओगे। एंड मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, पहले यहाँ पर गोलीबाजी शुरू हो चुकी है एंड ये बी देव ने तो अपनी जगह भी ले ली है। मैं यहाँ पर छुपकर पता नहीं क्या कर रहा हूँ। मैं गया शुरुआत में ही गया मैं। नो प्रॉब्लम, रिवाइव हो चुके हैं लगता है, मिल्खा सिंह काम नहीं कर रहे हैं, पता नहीं क्यों काम नहीं कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ग्रेनेड फेंक रहा हूँ, पता नहीं क्यों फेंक रहा हूँ। हमें ग्रेनेड और गैस वैसे फेंकना अलाउ था और अगर चाहो तो शील्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें शील्ड मिली नहीं। एंड मैं यहाँ पर पता नहीं क्या कर रहा हूँ, रुक कर। नहीं, मूवमेंट मत करना बस। दरअसल होता क्या है कि मूवमेंट करने से अपना एरो एनिमी को पता चल जाता है, वो पोजीशन पता चल जाती है। दोनों लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अब पता नहीं क्या होगा, मैप खाली है, वो लोग इसी तरफ आ रहे हैं। एंड मैंने यहाँ पर गैस तो फेंक दिए ब्लॉक करने के लिए, लेकिन पता नहीं ज़्यादा देर तक टिक पाऊँगा या फिर नहीं। मैं गया नीचे, मैं जा रहा हूँ, बाय। ये क्या कह रहा है, डेड बॉडी की तरह बिल्कुल रहो। हाँ भाई, बिल्कुल डेड बॉडी की तरह रहो तभी जीत पाओगे। एंड मैंक ने देख लिया, मैं रिकॉर्डिंग करते वक्त इसको आंखें बंद कर ली थी मैंने जब मैंक ने किल करा था। कोई ना, बहुत जल्द अपनी भी बारी आने वाली है जैसे ही 5 मिनट्स कंप्लीट होते हैं। एंड यहाँ पर मैं रिस्पॉन हो चुका हूँ, सैंडविच बनने वाला है क्या, मेरा सैंडविच बनेगा पक्का। मैं भाग रहा हूँ यहाँ से, भाग रहा हूँ, गैस अच्छी से ब्लॉक करी थी, लेकिन ये क्या हो रहा है, अरे मैं भाग रहा हूँ, ओए मैं बच गया यहाँ से बच गया, मैंक अभी जिंदा है और ये रॉनिक ने किल कर दिया। अब ऐसे में आप लोगों को एक बात का और ध्यान रखना पड़ता है, अपने बूस्ट को सही तरीके से इस्तेमाल करना, वरना आपका भी वही हाल होगा जो कि एग्जांपल नहीं मिल रहा है। हाँ, मैं अपना ही दे देता हूँ ना, जो कि मेरा हुआ, ये देख लो।
बाय द वे फ्रेंड्स, जिन लोग भी मेरे साथ खेले थे मैंने उनके चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप चाहो तो उनको चेकआउट कर सकते हो। एंड यहाँ पर मुझे दोनों ही मिल गया, मैंने गैस देखी लेकिन वो वेस्ट चली गई, दरअसल उसने देख लिया। ओ माई गॉड, अब तो मैं बस इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि कब ये 5 मिनट्स कंप्लीट होंगे। मुझे इन सभी को मारना है और देखते हैं कि हम लोग जीत पाते हैं कि नहीं। वैसे इनके 21 किल्स हो चुके, लीड तो काफी ले ली है। एंड यहाँ पर मुझे रन करना पड़ेगा। ओ नो, एटलीस्ट रिस्पॉन पे तो छोड़ दो, अरे उसे क्या कहते हैं, सांस तो लेने दो। नो प्रॉब्लम, अब सिर्फ 30 सेकंड बचे हुए हैं और अब मुझे लगता है कि हम लोग फाइट करना शुरू कर सकते हैं। चलो कोई ना, थोड़े से सेकंड्स और इंतज़ार करते हैं, इन लोगों के आने का वेट करते हैं। एंड तीनों लोग यहाँ पर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं अपनी गन्स के साथ और मैंक ने कह भी दिया रन। वाह, पहले ही मैंक भाग गया है। एंड लगता है रॉनिक मुझसे लड़ने की तैयारी में है। बिल्कुल, रॉनिक ने अपने समय का इस्तेमाल करा है, उसने आखिरी सेकेंड में भी मुझे किल करके मारा, विच इज़ अ गुड थिंग। अब बारी है इन लोगों को मारने की। आओ तुम, आओ मयंक, तुम आओ सबसे पहले, तुम ही से शुरुआत करते हैं। और दूसरी किल भी हो चुकी है क्या? ओ माय गॉड, शुरुआत में ही 2 किल्स हो चुकी हैं, बहुत बढ़िया चल रहे हैं हम लोग। एंड स्ट्रेटजी ये है कि हम अपने अपने कोने पकड़ लेंगे, यानी एक आदमी मिड में रहेगा, एक आदमी किनारे रहेगा और एक आदमी लेफ्ट कॉर्नर में रहेगा, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक इट्स अ गुड स्ट्रेटजी। एंड मैं यहाँ पर मयंक को मारने की कोशिश करता हूँ। एंड पता नहीं मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं। इधर आओ तुम, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, सबको इधर आने दो, सबको प्रसाद मिलेगा, चिंता मत करो। आप उधर कहाँ छुपे हो? वाह, वेस्ट टाइम एज मच एज यू कैन। वाह वाह मैन, क्या स्ट्रेटजी है, मज़ा आ गया। क्या छुप कर बैठे हो, वाह, इंडियन मॉर्टल ने कमाल कर दिया। अब बारी हमारी थी, मौका हमारे पास था, तो क्यों छोड़े, दमादम किल लिए हमने, खूब सारे किल लिए। और सबसे ज़्यादा मज़ा आया इस मयंक को मारने में, मतलब क्या सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग आती थी। अब मयंक का मूवमेंट मुझे सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा, वो इतना ऊपर चला गया, लेकिन ज़्यादा देर ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि हमें भी पता है न्यूटन का लॉ, जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है। ठीक भाई, उसके साथ भी होना था लेकिन हमारे साथ हो गया, एक तगड़ा वाला स्कैम और रॉनिक ने हमें किल कर दिया। अपना टारगेट है कि अपोनेंट के माइलस्टोन को ब्रेक करना और अपनी टीम को विजेता बनाना। तो यहाँ पर मयंक को मैंने बड़े आराम से किल करा है क्योंकि ये बंदा काफ़ी ज़्यादा विग ब्रेन का इस्तेमाल कर रहा था। मतलब मैं घूम फिर के आता और मुझे सामने मयंक ही मिल जाता और उसने इतने गैस से ब्रेक करे। एंड मुझे भी पता नहीं क्या दिमाग में आया कि मैं गैस पे ही कूद गया। और खुशी की बात यह कि अभी हमारे पास 2 मिनट से ज़्यादा का वक्त है और हमें अब सिर्फ 4 किल्स चाहिए, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। वाह, नहीं नहीं वाह, अब हम लोग माइन से भी मरने वाले हैं, समझ रहे हो ना, हम लोग माइन से मरेंगे। वाह कितना कूल है, हम लोग माइन से मरेंगे, वाह। अरे रॉनिक आप इधर आइए, आप इधर आइए, अब आपका बहुत हो गया, अब मैं सीरियस हो रहा हूँ, अब मुझे बहुत सारी किल लेनी है, एटलीस्ट इनको 40 से तो आउट करना है, 10 किल्स लीड ले ही लेंगे। सो लेट्स सी, कम ऑन गाइज, अब मयंक परेशान हो रहा है लगता है, अब मयंक परेशान हो रहा है। मयंक इधर आइए, आप इधर आइए, आप इधर मत जाइए इधर, अरे आप तो बिल्कुल क्या बताएं, अब छोड़ो, आपको इंडियन मॉर्टल संभालेगा। आप रॉनिक इधर आओ, रॉनिक मैं कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक छोटी सी बुलेट आपके लगेगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। देखा कहाँ दर्द हुआ, पता भी नहीं चला। अरे रॉनिक स्पॉन भी हो गया, वाह, इधर आओ रॉनिक, इस बार भी मैं आपको कुछ नहीं करूँगा, सिर्फ एक छोटी सी बुलेट, जैसा कि आप जानते हो, इधर आओ, 1 किल। और ये मयंक ने सुसाइड कर लिया, बड़ा अच्छा मयंक है यार, क्या बताएं। और ये दूसरी किल भी मिल गई, अंश को भी किल कर दिया, इजी। वाओ, हमारे पास 10 सेकंड का वक्त है, मयंक इधर आओ, मयंक इधर आओ, सिंपल इधर आओ, बिल्कुल आराम से, दैट इज गेम ओवर, वी विन, लेट्स सी व्हाट इज द स्कोर। ओह नाइस, 45 and 39, इट्स अ गुड गेम। आई डू होप आप लोगों को ये पहला मैच काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। एंड लेट्स सी, हमारा सेकेंड मैप है यहाँ पर पैरामिड। अब पैरामिड एक बड़ा मैप है और इसमें हमारे पास 3 नए प्लेयर्स भी है, लिगियो, ट्रेशन एंड अरमान। सो लेट्स सी ये कैसा परफॉर्म करते हैं, मैं जानता हूँ हम लोग अपनी पूरी कोशिश करेंगे जीतने की। एंड अरमान बिल्कुल भागते नहीं है, इस बार हम लोग पहले अटैक कर रहे हैं। अरमान इधर आओ, अच्छे बच्चों की तरह। ओहो, वो लिपस्टिक वाली औरत कहाँ गई, मैंने यहीं पर देखी थी, वो ये चुपी बैठी है, मैंने इसको ग्रेनेड थ्रो कर दिया, एस्केप कर गई, वो यहाँ पर है, मैं इसको छोड़ूंगा नहीं आज यहाँ पर। और ये मुझे किल मिल चुकी है। वैसे दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे कि लिपस्टिक वाली औरत कौन है, ये और कोई नहीं अपना मैंक ही है। कोई ना, हम लोग लिगेट भाऊ की तरफ चलते हैं। एंड आपको पता होगा भैया को मराठी में भाऊ बोलते हैं, तो हम लोग इनको भाऊ बुलाते हैं।
अब पता नहीं क्या, मैं जिस भी डायरेक्शन में जाता हूँ मुझे सामने मैंग की मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर फिर मुझे मैंग की मिल गया, अब बेचारे को मुझे मारना पड़ेगा। अब इसके बाद मुझे यकीन हो गया है कि आज मैंग को मेरे हाथों ही मरना है। देखो फिर से मेरे सामने आ गया, अब मैं क्या करूँ दोस्त, मुझे मैंग को मारना नहीं था लेकिन फिर भी वो मेरे सामने आ रहा है, मुझे मारना पड़ेगा। बहुत देर से अरमान नजर नहीं आ रहा, ये कहाँ गया? हाँ ऐसा तो नहीं वो पेड़ों के पीछे छुपा और पूरे मैच छुपा ही रहे, ये बात का भी ध्यान रखना पड़ेगा, हिडन ऑब्जेक्ट्स के बीच में ना बैठे। वाह मैंग टिप्स दे रहा है, गैस को फेंको। ओह अरमान ऊपर है, ओके सो ये लोग ऊपर भी जा सकते हैं। अपने लोगों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, जब हम डिफेंस करेंगे तो हम ऊपर ही जाएंगे। एंड मैंग किधर आओ, मयंक कहाँ गया? मयंक, ओ मयंक आप मेरी आवाज़ सुन रहे हो? ओ ये देखो गाइस, अब मैं बताओ क्या ही बोलूँ, फिर से मयंक आ गया मेरे सामने। एंड रेशन और बी डेव भी अपनी पूरी ताकत लगा कर जीतने की कोशिश कर रहे हैं। अब अपने को माइन मिल चुकी है तो क्यों ना माइन को यूज़ करा जाए। एक मिनट से ज़्यादा हो गया और मुझे कोई नज़र भी नहीं आ रहा, ये लोग चैट तो कर रहे हैं लेकिन कहीं हिडन है मुझे लग रहा है। ऐसा तो नहीं यार ये टाइम वेस्ट बहुत कर दिया। और ये रहा मैंग, आज इधर आओ, तुम बहुत ज़्यादा भाग रहे हो ना, इधर आओ, तुम इधर आओ, इधर आओ। ओहो यहाँ पर छुप कर बैठे हुए हैं सब लोग, और एक और होगा मैं देख सकता हूँ, लिग्यूड भी यहीं पर है। वाह ये छुपा हुआ है और वो चैट करने में लगा हुआ है, एंड मैंने उसे किल कर दिया। वैसे दोस्तों उन लोगों ने हाइड होकर काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट कर दिया, एंड मैंने यहाँ पर ये क्या करा? ओहो अपने 20 किल्स हैं एंड उनके 1 है, अभी भी हमें यानी कि उनको जीतने के लिए 21 किल्स लेनी पड़ेगी। मैंग तुम इधर आओ, एक आखिरी किल मुझे दे कर ही जाओ। सो अब इस बार वो लोग अटैक करेंगे और हम डिफेंस करेंगे, और मुझे पता है इस बार मुझे कैसे डिफेंस करना है। बस आप लोग देखते जाओ मेरे बिग ब्रेन की बिग स्ट्रेटजी, एंड अरमान से मुझे बचना है, वो मुझे किल कर सकता है। मैंने यहाँ पर ब्लॉक तो कर दिया है, एक हाई रेंज वाली भी गन ले लेता हूँ, विच इज़ अ गुड थिंग। आई थिंक मैं जा सकता हूँ। वो लोग मुझे नहीं किल कर पाएंगे, हाँ नहीं कर पाएंगे, अरे नहीं कर दिया। सो मेरा प्लान ये है कि मैं पिरामिड के टॉप पर चला जाऊँ, और ये खोपड़ी पर स्पॉन करना था इस गेम को। ओहो मतलब पहले से ही उनके पास एक तो गन्स यूज करने का है और वो हमें उन्हीं के बगल में स्पॉन कर रहे हैं, वैसे कैसे चलेगा बताओ, मैं हाइट भी हूँ तो कैसे हूँ। ये इधर आ गया, एक तो मैं गया, क्या मैं जाऊंगा बच जाऊंगा? आई थिंक मैं बच जाऊंगा। नहीं 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 नहीं। इस बार मैं ये दुआ करता हूं कि हमें पिरामिड के सबसे ऊपर ही स्पॉन कर दिया जाए। एंड क्या ये मैंने कहा और मैं स्पॉन भी हो गया, वाह आज हमारे साथ मेरा लक है, मतलब लक काम कर रहा है। मैंने पिरामिड के टॉप पर पूरे 1 मिनट तक शरण ली, लेकिन उसके बाद मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ, मेरा साथी ऊपर आ गया दौड़ता हुआ, एंड उसके पीछे पीछे मैंग भी आ गया, और मुझे उस जगह को छोड़कर भागना पड़ा। अब आप आगे देखो, ये है मेरा साथी जो कि यहाँ पर आ गया, एंड मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर छोड़कर जाना पड़ा। उस जगह को छोड़ने के बाद मुझे मिल चुका था बूस्ट, दैट मीन्स अब हम हवा से बातें करेंगे, डोरेमोन। दरअसल बूस्ट से फ़ायदा ये था कि हम लोग मिडवे में जा सकते हैं, यानी कि एयर में रह सकते हैं ग्राउंड लेवल से थोड़ा सा ऊपर, विच मीन्स वी हैव गॉट अ प्लस पॉइंट। लेकिन ये खुशी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई, जैसे ही डोरेमोन का भूत उतरा लिक्विड भाव ने हमें बहुत बुरी तरह से पीटा। और दोस्तों अब हमारे पास बचा हुआ है 1 मिनट, और अपोनेंट टीम को जीतने के लिए चाहिए 4 किल्स, अभी 3 किल्स, आई थिंक 2 किल्स। यार ऐसे तो हम लोग हार जाएंगे, हमें डिफेंड करना पड़ेगा। और ये अरमान यहाँ पर है, ये छुपा हुआ बैठा, अरे मैंने गलती कर दी, अब वो गया, अब सिर्फ उन्हें 1 किल चाहिए जीतने के लिए। एंड क्या मैं यहाँ पर डिफेंड कर पाऊँगा? आई थिंक मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मैंने ब्लॉक तो कर दिया है। नहीं 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 नहीं, मेरा सैंडविच बना, मेरा सैंडविच बन गया, बहुत बुरा वाला सैंडविच, मयंक और अरमान दोनों ने मिलकर मेरे को सैंडविच बनाया है। एंड दैट्स इट, गेम इज़ ओवर। सो सेकेंड मैच अपोनेंट टीम यानी ब्लू टीम जीत चुकी है, विच इज़ इनसेन। अब आता है अगला मैच जिसके लिए मैं पर्सनली काफी ज्यादा इंतजार कर रहा हूं, और वो है आइस बॉक्स। अब बिना बूस्ट के हमारी कैसे चटनी बनती है वो तो चलो आगे देखते हैं। वैसे मुझे तो ये भी नहीं पता है कि हमारी चटनी बनेगी या हम उनकी बनाएंगे। एंड शायद हम लोग इस समय अटैक कर रहे हैं, विच इज इनसेन, और मुझे लगता है झाड़ी के पीछे कोई तो छुपा हुआ है, इसको मैं पीछे से जाकर ढप्पा करता हूँ। कौन है? ओ रॉनिक है, और यहाँ से मयंक आ चुका है, और मयंक ने क्या गैस फेंका है, इंडियन मॉर्टल किल हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, बी डेव ने उसे किल कर दिया है।
सो मैच शुरू होते ही हमारा एक बंदा शहीद हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने अपोनेंट के दो बंदे को किल कर दिया है। अब उसके बाद ऊपर से मुझे लगता है कोई तो आ रहा है। मैं यहाँ से ऊपर जाने की कोशिश करता हूँ। मयंक है। ओ नो नो, मयंक ने। अरे दोस्तों, मैं आप लोगों को स्ट्रेटजी बताना तो भूल ही गया। इस मैप में बेसिकली करना क्या है, अपने को ग्रेनेड और स्पेशली और इस बंदे को सबसे पहले किल करता हूँ। ये भाग कर रहा है, भाग कर रहा है, भाग कर रहा है, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर, इसने माइन लगाई थी। गया, अरे नहीं, बच गया, गया 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 गया। हाँ हाँ, तो मैं कह रहा था इसमें हमें गैस और माइन इन दोनों पर फोकस करना है, बिकॉज वी हैव डिसाइडेड कि हम इसमें ग्रेनेड्स को जितना कम से कम हो सके उतना यूज़ करेंगे। एंड लेट्स सी, कोई तो उधर की तरफ जा रहा है, शायद वो नीचे की तरफ गया है। नहीं नहीं, ये समझ नहीं आ रहा कहाँ है। ओ नो, ये मैंने क्या देख लिया, मतलब अब ऐसा होगा तब तो फिर बहुत बड़ गड़बड़ हो जाएगी। वो मैप के बाहर जाकर बैठा हुआ है। रुको, मैं उधर जाता हूँ, ज़रा मैं जाता हूँ, मुझे जाना पड़ेगा उधर। रुको, आओ आओ बेटा, तुम कौन हो, मुझे नाम भी नहीं पता है तुम्हारा। आओ इधर आओ, मैं तुम्हें प्यार से मारूंगा, बिल्कुल इधर आओ, आराम से, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। हाँ हाँ, चलो ठीक है, अब यहाँ से मुझे भी बाहर निकलना है। ओहो, उसने क्या इस्तेमाल करा था ब्रेन का। एक मिनट, वो खोपड़ी पर स्पॉन हो गया, उसने गैस फेंक दी, मुझे बच के जाना पड़ेगा। आओ, तुम मुझे तुम्हें मारना है, तुम इधर आओ, भागना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भागना। एक, अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने मर जाऊँगा। वहाँ पर रॉनिक भी है और वो बंदा भी है। रुको रुको, ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस होता जा रहा है मैच। तुम इधर आओ, तुम इधर आओ, तुम नहीं बचोगे, नहीं बचोगे, ख़त्म। आज ये मयंक को पता नहीं क्या हुआ, मेरे ही हाथों इसे मरना है। आओ तुम मरो। आज कहते ही बंदर बन के खेलना पड़ रहा है मुझे, मतलब बूश तो है नहीं, तो क्या करे, बंदर बनना ही पड़ेगा। वो ऊपर से देखो भागा पड़ा है, लेकिन मैं यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन लेवल 1000। अरे सर सर, मुझसे दूर मत भागो, मैं सिर्फ एक बुलेट मारूंगा आपको, सिर्फ एक शॉट दूंगा, ज्यादा नहीं, डरो मत मुझसे। और ये देखो कहाँ दर्द हुआ। मजे मजे मार तो दिया, लेकिन अब ये मैं यहाँ पर फंस चुका हूँ बहुत बुरी तरह से। एक गलती और मैं नीचे गिराऊंगा। कोई बात नहीं, बंदर बने थे, अब स्पाइडरमैन भी बन ही जाते हैं। अरे स्पाइडरमैन बनने के चक्कर में वो आगे निकल जाएंगे। 2000 years later, फाइनली बाहर तो आया। अब देखते हैं बाकी के लोग हैं कहाँ पर। लगभग 1.5 मिनट होने जा रहे हैं और मयंक ही मेरे को सामने मिलना था। वाह, मतलब देखो इतने सारे लोग हैं, लेकिन मेरे को मेरे सामने कौन मिल रहा है, मयंक। एक मिनट, ये क्या है। अरे वो झाड़ी के पीछे छुपे हैं, स्कैम कर रहे हैं हमारे साथ। अभी हम लोग भी करेंगे, बस हमारे पास 20 सेकंड और है, फिर हम लोग अटैक करना शुरू करते हैं। मैं एक बढ़िया वाली गन ले लेता हूँ एंड मैं यहाँ पर छुप ही जाता हूँ। एक काम करता हूँ, हाँ मस्त वाला एकदम छुप जाते हैं। एंड इसको मैं किल कर सकता हूँ क्या? नहीं 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 नहीं, उसने शुरू भी कर दिया अटैक। कोई बात नहीं, अब हमें छुप के रहना पड़ेगा, बिल्कुल अब हमें डिफेंस करना है। क्या अटका पड़ा है, वो भी क्या गुंडा बनेगा रे तू। बचा, बिल्कुल बच गया मैं। बस, बच गया। अब तीनों लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं एंड गैस उसने फेंक दी मुझे ट्रैप करने के लिए। अब मैं ऊपर भी नहीं। और ये क्या हो गया। अब इतने बुढ़े सदमे से बाहर निकलने के बाद मेरे हाथ लगी स्नाइपर, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं था। एक्चुअल में जब मुझे स्नाइपर मिलनी चाहिए थी तब तो मिली नहीं, लेकिन मैंने फिर भी एक गैस से किल ले ली। और उसके बाद मैंने सोचा कि चलो क्यों ना थोड़े से अलग एंगल से बचाव करा जाए, तो मैं चला गया इस कोने में और अब देखो मेरे साथ क्या हुआ। आई थिंक मयंक इधर की तरफ आ रहा है, मैं तो सोच रहा हूँ नीचे चला जाता हूँ। और मेरे पास एक प्लान है, अगर हो सके तो मैं उसे नीचे धक्का दे दूंगा। हालांकि मैं उसे शूट तो कर नहीं सकता हूँ, मेले भी अलाउड नहीं है, तो धक्का देना मुश्किल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा तो देने की कोशिश करता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, अब फ्रेंड्स वो वाला प्लान तो हो गया फेल। ये क्या लिख रहा है, मीना फनी इंडियन मॉडल लिख रहा है। अरे हाँ हाँ भाई, मैं तो फनी हुई आप लोगों को हंसाने के लिए। मैंने यहाँ पर गैस फेंक दी बचाव के लिए। एंड अच्छी बात ये कि मेरे पास एक माइन है, अब देखता हूँ मैं इसका इस्तेमाल किस तरह से कर पाता हूँ। एंड मैंने उसे वेस्ट कर दिया। वाह,
मैंने माइंड वेस्ट कर दिया, अब मुझे बचना है, कैसे बचूं मैं, समझ नहीं, नहीं बच जाऊंगा। आइस बॉक्स में प्रॉब्लम ये है कि एक तो भाग पाते नहीं है, तो मैंने सोचा कि अब क्यों ना हम लोग एक स्ट्रेटजी लगाएं और अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन यहाँ पर भी मयंक आ गया, अब मुझे बहुत गुस्सा आ रही है। मैंने क्या करा, अब पता नहीं क्यों मुझे ऐसा पूर्वाभास हो रहा है कि हम लोग हारने वाले हैं, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि हम अब जीत जाएं। और यहाँ पर मैं गैस ब्लॉक कर देता हूँ उनका वे, और दोनों लोग उधर की तरफ है, ये अच्छी बात है। रुको, मैं यहाँ पर एक एक काम कर सकता हूँ, ये ग्रेनेड फेंका एंड क्या मतलब, आप लोग एक बार देखो, वो ग्रेनेड गया एंड वो ब्लास्ट हुआ, पहला आदमी नहीं मरा लेकिन रॉनिक स्लाइड हो गया, उस बॉम्ब के इफेक्ट से वो स्लाइड होकर गैस में जाकर गिर गया। सो वाह, मतलब क्या बताओ, मेरा लक है कि क्या है। अब देखते हैं, बैंक ने एक किल निकाल लिया, यानी उनको अभी 2 किल्स चाहिए। अब मेरे को यहाँ पर किल देनी नहीं है, पहली बात। ओ अच्छी बात है कि एक माइन मिल चुकी है, एंड देखते हैं क्या मैं इसका इस्तेमाल कर पाता हूँ, और मैंने एक किल ले ली है। OMG, हम लोग 2 पॉइंट से जीत चुके हैं, वाओ वाओ। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो मैं यहीं पर खत्म करना चाहता हूँ, बिकॉज हाफ आवर के वीडियो के लिए काफी ज्यादा नेट चाहिए होता है, एंड आई डोंट हैव इनफ इंटरनेट टू अपलोड एन हाफ आवर वीडियो। बाय द वे फ्रेंड्स, हम लोगों ने और भी अलग अलग मैचेस खेले थे इसी कॉन्सेप्ट पर और अलग अलग मैप्स में, जैसे कि ल्यूनर्सी, क्लिफहैंगर और इस तरह के और भी। तो अगर आप लोग कहो तो मैं उनको भी बहुत ही जल्द अपलोड कर दूंगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये DA2 इवेंट का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो। इसी तरह के और भी कॉन्सेप्ट्स के लिए आप मुझे अपने सजेशंस दे सकते हो, और मेरे साथ खेलने के लिए, मेरे से बात करने के लिए डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, हम लोग 400 सब्सक्राइबर्स के काफ़ी ज़्यादा क्लोज हैं, सो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय। नाउ सब्सक्राइब कर लो, ये चैनल अच्छा है।